दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन का रोजाना यूज करते होंगे कॉल करने के लिए, अपने फ्रेंड से बात करने के लिए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब भी नेटवर्क एरिया से बाहर जाते हैं तो आपकी कॉल्स लगना बंद हो जाती है, यानी आपके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आता तो आपकी कॉल्स लगना बंद हो जाती है, लेकिन आपके मोबाइल पर लिखा आता है इमरजेंसी कॉल्स ओनली। आपने कभी सोचा है कि आप इमरजेंसी कॉल्स लगा सकते हैं लेकिन नॉर्मल कॉल्स क्यों नहीं लगा सकते? तो आज आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो दोस्तों इमरजेंसी कॉल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको सिम के बारे में बता दूं। अब सिम क्या है? सिम होती है सब्सक्रिप्शन आइडेंटिटी मॉड्यूल, और ये दो तरह की होती हैं, एक होती है CDMA, एक होती है GSM। इनके बारे में अभी बात करता हूँ। अब पहले सिम के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सिम आपकी एक तरह से आइडेंटिटी और करियर इन्फॉर्मेशन स्टोर रखती है। आइडेंटिटी जैसे कि आपकी स्कूल में आइडेंटिटी होती है कि यह आपका नाम है और यह आपके पापा का नाम है, यही सब आपकी डेट ऑफ बर्थ, ऐसी यह आपकी इन्फॉर्मेशन सेव रखती है। और कहीं पर भी आप कॉल लगाते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल नंबर शो करने लगता है उसके मोबाइल पर, उसे पता चल जाता है यहाँ से आप कॉल कर रहे हैं और यह आप हैं। यह एक तरह की आपकी आइडेंटिटी होती है। और करियर इन्फॉर्मेशन क्या है? करियर इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपकी सिम आईडी आती है रिलायंस जियो की है, और यही सब। अब मैं आपको दो तरह की सिम होती है जैसे कि CDMA और GSM। CDMA क्या होता है? फोर्थ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और GSM होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। अब इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? इनमें यह डिफरेंस है जैसे कि अगर आपकी सिम GSM है तो होता क्या है, आप अपनी सिम जैसे आपने अपने मोबाइल में लगा दी, अब आप उसे निकाल के आप दूसरे मोबाइल में लगा सकते हैं। लेकिन CDMA में क्या होता है, अगर आपने वॉइस सिम एक मोबाइल में लगा दी तो आप उसे दूसरे मोबाइल में नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको अपने जो भी प्रोवाइडर है सिम उससे बात करनी पड़ेगी उसके बारे में दूसरे मोबाइल में लगाने के लिए। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो हमने सिम के बारे में तो बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं इमरजेंसी कॉल्स के बारे में। अब यह काम कैसे करती है? सपोज कीजिए आपकी एक सिम है जो कि रिलायंस जियो की है। अब जैसे ही आप अपने स्टेट के बाहर जाते हैं और वहाँ पे कोई रोमिंग टावर होता है तो यह सिम उससे कनेक्ट होकर दिखा देती है कि आपकी सिम रोमिंग में है। लेकिन अगर आपके आसपास कोई भी टावर नहीं है तो वहाँ पे आपके मोबाइल में शो करने लगता है कि इमरजेंसी कॉल्स ओनली। अब इमरजेंसी कॉल्स इसलिए शो करती हैं क्योंकि आपके आसपास कोई टावर नहीं है, और जब भी आप इमरजेंसी कॉल करते हैं तो होता क्या है, आपके मोबाइल में एक एंटीना होता है। अगर आप अपने मोबाइल में से सिम भी निकाल देते हैं तो भी आपकी इमरजेंसी कॉल लग जाएगी क्योंकि आपके मोबाइल में एक एंटीना है जो कि और टावर से कनेक्ट हो जाता है, जैसे कि BSNL हुआ, आइडिया हुआ। और अगर आपके मोबाइल में सिम भी डली हुई है तो भी इन्हीं से जाके कनेक्ट होगा क्योंकि वहाँ पे आपके पास कोई टावर नहीं है। तो होता क्या है, यह उनसे कनेक्ट हो जाता है और जब भी आप इमरजेंसी कॉल करते हैं तो इनसे कनेक्ट होकर आपकी कॉल लग जाती है। लेकिन अगर आपके मोबाइल में सिम नहीं डली है तो होता क्या है, आप उन्हें कॉल तो लग जाती है लेकिन उनके पास आपकी ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचती है और ना ही आपका कोई डेटा और ना ही आपकी कुछ लोकेशन जहाँ पे आपने कॉल की, जो भी एम्बुलेंस पुलिस वाले यानी कोई कहीं पे भी कॉल की तो वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं पहुँचती है, ना ही करियर इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह से कुछ इमरजेंसी कॉल्स काम करते हैं, जो कि सिंपल भाषा में कहें तो यह दूसरे टावर से कनेक्ट होकर आपकी कॉल लगा देती है। लेकिन अगर आप किसी वियतनाम में फंसे हुए हैं, सपोज कीजिए आप एरिजोना या जंगल अमेजोन जंगल में कहीं फंसे हुए, आप वहाँ पे तो दूर दूर तक किसी भी कंपनी का टावर नहीं होगा, तो होता क्या है, आपकी कॉल्स ना ही इमरजेंसी कॉल्स लगेंगी ना ही नॉर्मल कॉल्स। तो इसी तरह से इमरजेंसी कॉल्स काम करती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।